क्या भाई? क्या मास्टर, बैंड का बंद कर दी? अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए, बजाओ बजाओ साला। वर और वधू के गांठ बंधवाइए और वर को बोलिए वधू से अलग हो जाइए, वधू को ले जाने उसके साधन आए हैं। क्यों आए हो यहाँ? क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? वचन, वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से ले जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हट जा बुढ़ो। दादाजी, अरे हत्या का पाप चढ़ा रहा है। छोड़ो से, छोड़ो। ओए साले, माला जपे हम, पर माला डालोगे तुम? बारात में आओ क्या? छोड़ो, चलो छोड़ो हमारा हाथ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई साला बीच में आया तो इधर ही दलिया वाला बाग बना देंगे। छोड़ो हमें दादाजी, आओ छोड़ो, छोड़ो। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं। आप सबकी फरमाइश पे बजरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप, टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तुमरे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लगता है तुमरे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से नहीं समझे। गलती हमरी है, हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना दो चार लप्पड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? हैं? पांडे लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे और तुम्हारे सामने लेकर जाएंगे। अब दबा दें घोड़ा। करते यार गेंदा, हमारे बाप को लप्पड़ मारोगे, लड़की को मंडप से उठा ले जाओगे। थाना है, पुलिस है, हम हैं, क्या प्राप्त हुआ? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आते हैं। अब पापा, दो दिन से मुंह फैला के बैठे हो और घबराहट से हमारा दिल बौरा गया है। हमारे सामने किसी लड़की को मंडप से उठा लेते, क्या आपको अच्छा लगता? पापा, आपको दुख पहुंचाकर कोई खुशी नहीं मिलती हमें, लेकिन पुलिस की नौकरी करते वक्त आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कहेंगे तो हम ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। आते मुखा जगनी रजा यथा पुनः पुत्रः
क्या हो रहा है ये? जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसे पुलिस कार्रवाई नहीं गुंडागर्दी कहते हैं, गुंडागर्दी। अरे अगर कोई क्राइम करता है, कानून को नुकसान पहुंचाता है तो गिरफ्तार करो उसे। कोर्ट कचहरी बैठी है सजा देने के लिए, आप ही सजा देंगे, उसे मार देंगे। हत्या हुई है मेरे भाई की और इसका हिसाब होगा। होगा बच्चा भाई, होगा। मैं आपकी बात को गलत कहां कह रहा हूँ? और ये जो घटना हुई है इसके बारे में चर्चा करूंगा बड़े अधिकारी से, इसकी जांच होगी। अरे जांच पड़ताल की फरियाद लेकर नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अब तो आर पार की लड़ाई होगी ये बताने आया हूं मैं यहाँ पर। अब पांडे को यह पता चलेगा कि ये लालगंज नहीं कानपुर है, और मैं छेदी नहीं हूं, बच्चा सिंह हूं, बच्चा सिंह। बस चलो। बच्चा भैया, सुना है जिसका नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, मगर हम जब जिसका नाम ले और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। दिन गिनना शुरू करते पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि तुम्हारा ट्रांसफर कानपुर नहीं होना चाहिए था। एक सस्ता सा सरकारी आइडिया दे तुम्हें, यह ख्याल दिमाग से निकाल दो। हमारे दिमाग में यह ख्याल आए ना आए, तुम्हें अफसोस जरूर होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों हुआ। पापा खाना खा लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है प्रभा जी, जो चुलबुल पांडे के बारे में कुछ कहना चाहती है। जी प्रभा जी बोलिए। सारी रोटियां खा लीजिएगा, आजकल आप कम खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू जा दो चार रोटियां और ले। अभी लाए।